सदियों से होता आया है कि एक बड़ा सिंगर यूं बीच में खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द हजारों सुनने वाले होते हैं, लेकिन आज यहां एक सुनने वाला खड़ा है और मेरे इर्द गिर्द 13,000 सिंगर्स मौजूद हैं। इन 13,000 सिंगर्स के सपनों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं हमारे दो दमदार और सुपरस्टार जजेस के साथ। जोरदार तालियों और स्वैग के साथ स्वागत कीजिए द सिंटिलेटिंग नेहा कक्कर और हिप्नोटिक एचआर का। सिर्फ 13,000 सिंगर्स नहीं, उनसे जुड़े 13,000 सपने भी हैं। हमारे हिंदुस्तान का टैलेंट बढ़ता है, ग्रो करता है, जैसे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उनके पीछे 13-13 सालों की मेहनत भी है। जो भी हो जाए सपने देखना मत छोड़ना। इन सपनों, अरमानों और उम्मीदों में से कौन बनेगा सलमान अली, सनी हिंदुस्तानी और पवनदीप राजन के बाद? अभी बन सकते। आज जो इन हजारों की भीड़ में खड़ा है उसे खुद नहीं पता कि अगले कुछ ही महीनों में ये जो तकलीफें हैं भीड़ भाड़ के, उनको कोसों दूर छोड़ छाड़ के वो रख देगा स्टेज फोड़ फाड़ के और टॉप पे होगा देश के लाड़ प्यार के। सोचिए, आज जो इस हजारों की भीड़ में दिखाई भी नहीं दे रहा है, अगले कुछ ही महीनों में हर जगह सिर्फ वही दिखाई देगा। लेकिन कौन? KOL 1077। मेरा नाम अनुष्का पात्रा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जजेस के सामने मैं परफॉर्म करूँ। नर्वस नहीं हूँ, एकदम भी नहीं हूँ। 0.1% नर्वस हूँ, 99.9% एकदम टेंशन फ्री हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगी अंदर जाके और गोल्डन माइक लेके आऊंगी। कुछ लोग ऐसे भी आए आइडल के मैदान में जो जजेस को ही आइडल के स्टेडियम से बाहर कर देना चाहते थे। कुछ नहीं है ये विशाल जी, कुछ नहीं समझते, ये तो खाली अपने मन के काम करते हैं, अपने खाली मन करते हैं। ये इंडियन आइडल है, ये इसको तो गिरा बिकना चाहिए। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं। गीता, आपके बालों में क्या लगा है? नेटवर्क आ रहा है। ये गीता, आपको पता है आप इंडियन आइडल में आया? ये लड़की गीता, आप गाती भी है? नहीं, हंसती हूँ बस। आप लोग दोनों हंस रहे थे, चुड़ैले लग रही थी। वो उल्टा बस पेड़ से लटकना बाकी था। सब स्क्रिप्टेड है आप लोगों का? क्या स्क्रिप्टेड है? मैं तो अच्छा गाता ही हूँ, लेकिन अगर हमारे टाइम में बैंड बजता
तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया रहता है। बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में। ये क्या मुझे जज करेंगे, खुद का प्रोडक्शन है, खुद का मैं फिल्म बना रहा हूँ अपना। इंडियन आइडल का जो जजमेंट कर रहे हैं उसको हम अपने प्रोडक्शन में काम दे सकते हैं। खुशी की मुबारक बेटा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, मुझसे भी नहीं हो पा रहा। फोन करें क्या आदि को? हाँ करो ना, लेट्स फिनिश इट। ओ नेहू, हाय नेहू, हाय नेहू। आदि कितने हुए यार अभी? बस 10,000 और बचे हैं। क्या? हेलो नेहू, नेहू चलो, लॉक किया है उसने, बाहर से जा भी नहीं सकते। मम्मी एक काम करो, 10-15 साथ में भेज दो यार। भेजो। और इंडियन आइडल तो वो सपना है जिसे जीने के लिए लोग न दिन देखते हैं न रात। त्यागराज स्टेडियम में है और यहाँ पे कल ऑडिशन होने वाला है इंडियन आइडल का, और अभी टाइम हुआ है 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, ऑडिशन कल होने वाला है और यहाँ पे बहुत भारी भीड़ हो चुकी है अभी से ही। वॉक पूरे करने होते हैं तो टाइम नींद सब हराम हो जाती है इंसान के ऊपर। मैली मैली सी सुबह धुलने लगी है, गिरा लगी थी सांस में, खुलने लगी है, खुलने लगी है। नंबर वन लेने के लिए पहले से ऑलरेडी यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है। इंडियन आइडल बनने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है मैम। मैं एक दिन पहले आई हूँ, थक गई हूँ, लेकिन ऑडिशन तो देना ही है। खुलने दो, खुलने दो आसमान, खुलने दो। अभी समय हो रहा है लगभग रात के 12 बजने वाले हैं, सुबह इंडियन आइडल का ऑडिशन होने वाला है, तो उसी चक्कर में सबसे पहले ऑडिशन देने के लिए हम सबसे आगे लगे हुए हैं। ये बताइए अगर बारिश बारिश होगी तो आप लोग क्या करेंगे, पूरी रात कैसे गुजारेंगे? मैम रेनकोट लेके आए हैं और छाता लेकर आए हैं, पूरी व्यवस्था से आए हैं मैम। उजाला हो तो जाएगा कहीं ना कहीं से, अंधेरा भी छटेगा ही कभी तो जमीन से। इंडियन आइडल में मैं ऑडिशन देने आई हूँ और अभी से मैं इंतजार कर रही हूँ। ये आइडल मेरा है और मैं इंडियन आइडल बन के रहूँगी। खुलने दो, खुलने दो, जो मैं दिखाने वाली हूँ, जो यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं जी, उनका मकसद है वो? पर वो जिसके भी हाथ लगती है उसकी किस्मत चमक जाती है। एवरीवन वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ गोस्ट, ही वाज नोन टू बी अ किलर। अगली कंटेस्टेंट की मम्मी ने ना तो सिर्फ उन्हें सिखाया और यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, बल्कि ये जो साड़ी पहन कर आई है उसको अपने हाथ से पेंट किया है। इतना तो एक माँ ही कर सकती है। क्या माँ की दुआ बेटी को मुंबई का टिकट दिलवा पाएगी? ओ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संचारी सेन गुप्ता है। आप
बहुत अच्छी लग रही है, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। ये जो आर्ट है कुछ मधुबनी है ना? मधुबनी पेंटिंग। हाँ बहुत सुंदर, थैंक यू। ये कहाँ मिलती है? वही कोलकाता में? ये तो मेरे मिस वर्ल्ड ने बनाई है। आपकी मिस वर्ल्ड? मेरी मिस वर्ल्ड मेरी मम्मी है। उन्होंने बनाई है ये पूरा। स्वीट, उन्होंने अपने हाथ से बनाई है? हाथों से पूरा, मतलब पूरा किए हैं। Oh my God, how beautiful is that? मैं पास से देख लूं? हाँ हाँ जरूर। कम ना? हाँ। ये हाथ से पेंट किया हुआ है? पूरा हाथ से, एक एक पूरा नीचे तक पूरा हाथ से किया। वाओ, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आपकी मम्मी को हमारी तरफ से बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छी कलाकार है। सच में, शी इज एन आर्टिस्ट। मम्मी आई भी है मेरे साथ। अच्छा, आई क्या है? आपकी मिस वर्ल्ड आई है? आई है। बुलाए उनको? हाँ, मम्मी आ जाइए। नमस्कार, आइए। मेरा प्रणाम है सबको। आपको भी। आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, कितना अच्छा काम किया है। कोशिश करती हूँ, थोड़ा मेरा पैशन है। मैं बच्चों के लिए बना के मेरे मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। आंटी जी, आपको सुन के ना मुझे मेरी मम्मा की याद आ गई। ये बड़ी प्यारी बात है, मम्मा अभी भी ये बोलती है कि हम पहले जितना भी था, अगर हमारे पास नहीं भी था, जो भी था, बट मम्मा ना मेक श्योर करती थी कि वो हमें बड़ा अच्छा दिखाए, कि हम अच्छे कपड़े पहने, सुंदर दिखे, चाहे घर में पैसा हो ना हो, कम बट कम, बच्चे दाम कम हो, हाँ, लेकिन उसमें प्यार हो। मुझे सच में आपने मम्मा की याद दिला दी। मैं इसके बाद मम्मा को कॉल करूंगी। सो स्वीट, थैंक यू। फिर से वही बात जबान पे आती है कि भाई क्यों दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपकी आंखों में अभी नमी है, उसने परफॉर्म करना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन आपकी आंखों में एक नमी है। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हर माँ अपने बच्चे के लिए यही चाहती है। आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, यही मेरे लिए मतलब बहुत, मतलब ड्रीम जैसा लग रहा है। नहीं, वो आपकी बेटी की वजह से हो रहा है, और हाँ, आपकी बेटी बहुत अच्छा गाए, ये हम दिल से दुआ करते हैं। हाँ, आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट संचारी। थैंक यू। हाय ब्रदर। हाय। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज रितु रिबा। रितु रिबा। या सर। एंड सर, बोले बोले। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हैं? बिकॉज मेरे को लगता है कि ये इंडिया में बेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो है। बेशक आप जो कह रहे हैं वो 100% सच्ची बात है, लेकिन मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ। yes, sir. कुछ दिन पहले आपकी हमारे टीम मेंबर से कुछ बातें हुई हैं। yes, sir. है ना? yes, sir. आपको दिखाई देता हूँ मैं। सॉयर सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बड़ा सिंगिंग मंच, यू गेन टीआरपी जस्ट लाइक इंडियन आइडल चीप शोज मैन, व्हाट इज दिस? रितु, आपने ये जो कहा है कि म्यूजिक नाउडेज इज बिजनेस, आई सी, चीप शो कह रहे हैं आप, स्कैम कह रहे हैं इंडियन आइडल को, है ना? जी सर। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इस जगह की पाकीजगी पे सवाल करके ना कोई बड़ा नहीं होता, ओके? इस जगह से कितने सिंगर्स ने अपने करियर कमाए हैं? आप सही कह रहे हो कि टीआरपी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन टीआरपी आती किससे आपको पता है? ना मस्ती से आती है, ना किसी की कहानी से आती है। इंडियन आइडल पर टीआरपी अगर आती है तो सिंगर्स के गाने से आती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।